और यहाँ पे लिमका देख सकते हो, ये चबा रहा है, ये इसके दांत काफ़ी मजबूत है लग रहा है। कौन से टूथपोस्ट से ब्रश करता है, कौन से टूथपोस्ट से ब्रश करता है पूछना पड़ेगा लिमका को। एक ही बार में ये गन्ना को चबा जा रहा है, ये देख सकते हो, ये है लिमका जो हमारे गांव के मुखिया। आप वेलकम गाइस टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आज मैंने हाथ धोवा के तैयार हो गया था, आज तो मैं एक्चुअली जो कल संडे था तो क्रिसमस गैदरिंग था, तो उसी का वीडियो एक्चुअली आज बना रहा था। तो फिर अभी मैं ये आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, और जैसे अभी क्रिसमस का सीज़न पहुँच रहे, मतलब आज तो हो गया 19 हो गया शायद, एक्चुअली 19 हो गया, तो क्रिसमस के लिए भी काफ़ी टाइम नहीं रह गया है। तो सभी कोई तैयारी कर रहे होंगे आशा करता हूँ, तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ और आपको दिखाता हूँ ये हमारे आज मेरे को क्या मिला। ये एक डंडा दिख रहा है, ये एक्चुअली डंडा नहीं है, ये शुगर केन है, इसको शुगर केन बोलते हैं और हिंदी में इसको गन्ना बोलते हैं। तो अभी इसको खाता हूँ गन्ना को, गन्ना आज मिल गया है मेरे लिए खाने के लिए। तो देखते हैं ये वाइट वाला शुगर केन है तो किस तरह से टेस्ट लगता है। और आप यहाँ हमारे जो घर के क्यूट किटन को देख सकते हो, ये दोनों काफ़ी प्यारे हैं, यहाँ पर यहीं आंगन में खेलते रहते हैं, हम भी इसके साथ खेलते रहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ये लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये बिल्ली यहाँ पर वो काफ़ी तरह से लड़ाई कर रहा है। और यहाँ पर एक बिल्ली झोले के अंदर घुस गया है, यहाँ पर ये दूसरा बिल्ली भी घुसने का के लिए हो रहा है, और ये निकल गया। ये काफ़ी नटखट है ये बिल्ली, इसी तरह से खेलता कूदता रहता है, देख सकते हो ये फाइट लड़ रहा है। तो बस इसका ये रोज़ दिन का यही काम रहता है। और यहाँ पे लिमका भाई आ गए हैं, तो आप देख सकते हो ये लिमका को, और ये लिमका पूरे सूट बूट में इतने गर्मी के मौसम ठंड में दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और लिमका कहाँ जा रहे हो? लिमका कहीं नहीं जा रहा है, बस ऐसे ही सूट बूट में है, आज इसका ड्यूटी से छुट्टी है तो यहीं पर है। और ये देख सकते हो ये है गन्ना, देखते हैं, इसको कतारी भी बोलते हैं, सादरी में कतारी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं हिंदी में गन्ना बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन, बस इतने ही जानते हैं। और इसमें से एक्चुअली ये शुगर केन है, इसी से शक्कर बनाया जाता है, शक्कर और गुड़ बनाया जाता है। तो किस तरह से बनाया जाता है वो तो मालूम नहीं है, इसके गन्ने के रस निकाल करके एक्चुअली बनाया जाता होगा, तो जो ब्लॉग में बने रहो। तो अभी यहाँ पे ये जिसका जो ऊपर वाला चमड़ी था उसको छील लिया हूँ, ये गन्ना कातारी और शुगर केन का, और इसका इसको अभी खाएंगे, इसका चबा चबा कि इसका रस को, मतलब रस को खाना है, इसको खा के इसका ये जो है इसको फेंकना है, बस रस को इसका खाना है। देख सकते हो ये काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे लिमका भी खाने के लिए शुरू हो गया, दिखाता हूँ आपको, लिमका भी खा रहा है इसको, और लिमका को देख सकते हो यहाँ पे चबा रहा है अभी। और यहाँ पे लिमका देख सकते हो ये चबा रहा है, ये इसके दांत काफ़ी मजबूत है लग रहा है। कौन से टूथपोस्ट से ब्रश करता है, कौन से टूथपोस्ट से ब्रश करता है पूछना पड़ेगा लिमका को। एक ही बार में ये गन्ना को चबा जा रहा है, ये देख सकते हो, ये है लिमका जो हमारे गांव के मुखिया। आपने देखा भी होगा पहले वाले ब्लॉग में, काफ़ी बार आ चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो उसे भी जा कर के ज़रूर देखें लिमका को। तो आप मुझे देख सकते हो यहाँ पर, मैं ट्यूशन क्लास जहाँ पर लेता हूँ वहाँ पर का ये रूम है, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते हो, देख सकते हो, ये एक छोटा सा रूम है, यहाँ पर हम लोगों का ट्यूशन क्लास चलता है, यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं तो पढ़ाता हूँ। और आज यहाँ पर होली क्रॉस की लड़कियाँ लोग आए हुए थे, ये मैदान की ओर आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि आज मैदान को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं और टेंट वेंट के लिए गाड़ दिए, क्योंकि परसों डे आफ्टर टुमोरो में इनका स्पोर्ट डे होने वाला है। तो आप लोग एक बार मैदान दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर मैदान देख सकते हो, और यहाँ पर एक जोइसी है, जोइसी को देख सकते हो, ये अभी अभी स्कूल ख़त्म करके आई है। आप यहाँ पर मैदान को देख सकते हो, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, मतलब कचड़ा कोई नहीं है,
अभी यहाँ पर आई हुए थे होली क्रॉस की लड़कियाँ, काफ़ी झाड़ू वाड़ू लगा करके इधर स्टेज वगैरह सभी को साफ करके चकाचक कर दी है, और इस तरफ ये रोड को भी झाड़ करके चकाचक कर दी है। एक्चुअली ये परसों डे आफ्टर टुमोरो यहाँ पर होली क्रॉस वालों का स्पॉट डे होने वाला है। एक्चुअली जो पहले इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ था उसी तरह से ये होली क्रॉस स्कूल वालों हिंदी मीडियम वालों का भी होने वाला है। और यहाँ पर जो इसी उधर खेलती हुई तो देख रही है, तो आज इसे स्पॉट डे होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, स्पॉट डे का वीडियो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।